स्टूडेंट्स को अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए ये बेस वाला कंसेप्ट जो है बनाया गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सुबह सुबह उनको जल्दी उठना पड़ता है, मंगल आरती में जाना पड़ता है, ये सब करना मुश्किल भी नहीं रहता है। अकेले में, अकेले अगर कोई रहता है तो मुश्किल है, लेकिन अगर बेस में रहता है तो बहुत आसान इसलिए है क्योंकि सब लोग उठते हैं तो हमको भी उठना पड़ेगा, रूटीन ऑटोमेटिकली बन जाता है। सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे करीब उठना, नहा धोके मंगल आरती करना भगवान का, फिर चैंटिंग करना, भगवान का नाम का जप करना, चैंटिंग करने के बाद एक क्लास होता है आधा घंटे का, वो क्लास सुनना, और उसके बाद जो वहां वहीं पर खाना बनता है भगवान के लिए, जो भी खाना बनता है भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, फिर वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, वो खाके फिर अपने कॉलेज का पढ़ाई और कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करके फिर वापस आते हैं दोपहर में, फिर शाम को तो पूरा उनका ओनली स्टडी रहता है, उनका कॉलेज का स्टडी रहता है, क्योंकि जो भी उनकी साधना माला वगैरह सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, और शाम पूरा फ्री रहते हैं, शाम को दूसरा कोई काम नहीं रहता है, ताकि उनकी पूरी ध्यान जो है पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगा सके, और शाम को प्रसाद वसाद भोजन वगैरह जो प्रसाद के रूप में भोजन लेकर फिर अर्ली सो जाते हैं। बेस ऐसा माहौल है जहां पर आप आपकी पढ़ाई हो, जो कॉलेज का पढ़ाई जो है वो, साथ में आपकी भक्ति, दोनों अच्छा से कल्टिवेट किया जा सकता है।